मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। करीब करीब हर रोज ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। इसके बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर से जुड़ा हुआ है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक रिश्वतखोर शिक्षक खुलेआम बच्चों को पास कराने के एवज में रकम लेते हुए दिखाई दे रहा है। जबलपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कुर्सी पर बैठे एक शख्स को कोई पैसे देते हुए दिख रहा है। वह पैसे कम होने पर भी मामला निपटाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो शासकीय आदर्श ITI कॉलेज का है। वीडियो में दिख रहा यह शख्स यहाँ के शिक्षक के रूप में तैनात है। वीडियो में साफ है कि यह शिक्षक छात्रों को पास करने के एवज में रिश्वत ले रहा है। जानकारी के मुताबिक ITI कॉलेज में पदस्थ ट्रेनिंग ऑफिसर RK द्विवेदी ने छात्रों को परीक्षा में पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। पैसे देने के बावजूद कई छात्र परीक्षा में फेल हो गए। इसके बाद इन छात्रों ने ही ट्रेनिंग ऑफिसर को रिश्वत लेने का वीडियो वायरल कर दिया। बहरहाल यह वीडियो कब का है और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह पता नहीं चल पाया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों में पैसों के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक वीडियो जो है अपने कॉलेज का वायरल हुआ है, जिसमें जो सर्वेयर है RK द्विवेदी, उनके ऊपर ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो पैसा ले रहे हैं अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, कृपया पास किए जा रहे हैं कि ऐसा वीडियो, तो क्या है ये पूरा मामला? वीडियो मेरे संज्ञान में आया है ना, क्योंकि उसमें आवाज़ काफ़ी धीमी है ना। आज हम एक समिति बनाकर उनसे भी जो है वो प्रश्न करेंगे, है ना, और स्पष्टीकरण चाहेंगे, और इसके बाद में जो प्रशासनी है उस ट्रेड के, उनसे भी जो है वो हम लोग जो है वो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि वीडियो में या पैसे के लेन देन में कहीं भी कोई सत्यता आती है तो निश्चित रूप से उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, एक वीडियो और आया है, उसमें एक स्टूडेंट भी दिख रहा है, तो क्या स्टूडेंटों से भी पूछताछ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब से भी जो है पूछताछ करेंगे, और तथ्यात्मक जो भी जानकारी होगी वो निश्चित रूप से हम विभाग के समक्ष लाएंगे। जी, आपके साथ क्या मामला हुआ है? मेरे साथ ये मामला हुआ है सर, कुछ दिन पहले मैं अभी बीच में पापा की तबीयत ख़राब, मैं आता नहीं था, तो सर का कहना था कि आप मेरे को, द्विवेदी सर का कहना था कि आप मेरे को पैसे दे दो या तो फिर थोड़ा बहुत जो भी हो अपने हिसाब से कर लो, उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस पूरी कर दूंगा और आपको एग्ज़ाम में बैठने मिल जाएगा। मैंने इसका विरोध किया तो उचित तरीके से मेरे को फालतू के शब्द का उपयोग किया गया, उसके बाद आज मैंने TC के लिए आवेदन दे दिया। क्या TC लेने के लिए उन्हीं ने कहा था या जी आप अपने मन से? फिर नहीं सर, उन्हीं ने बोला था, या तो आप दबाव बना रहे थे कि या तो आप TC ले लीजिए या तो फिर आप मेरे को पैसे दे दीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा। जब तक मेरी हाजिरी कंप्लीट नहीं होगी, मेडिकल भी मैंने बीच पे दिया रहा, तो मेडिकल में सर ने बोला आपका पूरा मेडिकल नहीं है, आप मेरे को 3,500 रुपये दे दीजिए, मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। नाम बताना? मेरा नाम साहिल सिंह ठाकुर।